Welcome to Online Study at QES. हेलो गाइस, वेलकम टू QS टेक्निकल एकेडमी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एट QS। तो गाइस, आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आपको जुड़ा हूं, ग्राइंडिंग से। ग्राइंडिंग के मेरा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने ग्राइंडिंग के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताया, ग्राइंडिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील यूज होता है उसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मटेरियल्स उसके लिए यूज होते हैं और ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था। ठीक है गाइस, तो अगर आपने हमारा ये पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ग्राइंडिंग के पार्ट टू में आपको बताऊंगा कि जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं यानी जिसके थ्रू ग्राइंडिंग की जाती है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन किया जाता है, वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इसके बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा और साथ ही कुछ इंपोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करूंगा। और गाइस, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, आपका टॉपिक खत्म होने के बाद उस टॉपिक से संबंधित जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनका एक लेक्चर लेके आता हूं, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हम बात करते हैं पहले टाइप की। और पहला टाइप है आपका स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील, देखिए जितने भी ग्राइंडिंग व्हील है या जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं उससे संबंधित जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, वो पॉइंट मैं क्लियरली आपको बोलूं या लिखूं बोर्ड पे, दोनों ही कराऊंगा, आप उसे नोट करते जाइए, आप वहीं से आपको क्वेश्चन निकलता हुआ मिलेगा। ठीक है गाइस, तो देखिए अगर हम स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील की बात करें तो ये क्या होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील होता है इसमें सिर्फ इसकी ग्राइंडिंग व्हील की पेरीफेरी यानी जो आउटर सर्कमफेरेंस होता है, ये पेरीफेरी, इसी को यूज किया जाता है और इसी के आपके इसी के पेरीफेरी पर ही एब्रेसिव पार्टिकल्स को जो है लगाया जाता है। ठीक है, अगर इसके पेरीफेरी पर एब्रेसिव पार्टिकल्स को लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन कहां से निकलेगा जो आपको ध्यान देना है कि यह हमेशा कॉनकेव शेप का सरफेस प्रोड्यूस करेगा। कैसा? कॉनकेव, कॉनकेव शेप का सरफेस प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? कॉनकेव शेप का प्रोड्यूस सरफेस आपका जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसका प्रयोग कहां होता है, कहां यूज किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है सेंटरलेस और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में किया जाता है हमेशा। ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन से सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इन दोनों ग्राइंडिंग मशीन पर स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? सेंटरलेस एंड सिलेंड्रिकल, सेंटरलेस एंड सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन्स पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये यहां से इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या टॉपिक बनते हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे व्हील की, दूसरा टाइप क्या है इसका। तो चलिए दूसरे टाइप की बात करते हैं, जो इसका दूसरा टाइप है वो है सिलेंडर और व्हील रिंग। क्या है? सिलेंडर और व्हील रिंग। इसमें क्या, जैसे स्ट्रेट वाला क्या था, एक सिंपल पेरीफेरी पर यूज हो रहा था, लेकिन जो सिलेंडर यानी सिलेंडर की शेप बना हुआ, तो सिलेंडर कैसा बनेगा आपका? लॉन्ग, यानी इसकी क्या है, विड्थ, जो चौड़ाई है व्हील की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगा, व्हील की चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो क्या होता है, ये लॉन्ग और वाइड सरफेस होता है इनमें, इनमें लॉन्ग एंड वाइड सरफेस होता है, लॉन्ग और वाइड सरफेस होगा। ठीक है, अब चौड़ाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चौड़ाई बढ़ जाती है, कितनी होती है, तो इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई होती है, मैक्सिमम जो चौड़ाई होती है इसकी 12 mm तक होती है। ठीक है, 12 mm तक इसकी मैक्सिमम चौड़ाई होती है, तो जिसकी वजह से इसको सिलेंडर शेप में आ जाता है, तो इसलिए इसको सिलेंडर या व्हील रिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहां होगा, इसका प्रयोग जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पिंडल जो ग्राइंडिंग मशीन है उन पर किया जाता है। किस पर? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्राइंडिंग
मशीन पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग कहां किया जाता है, ये मैन है, यहीं से क्वेश्चन आपका निकलेगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्राइंडिंग मशीन पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है जो हमारा, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड है टेपर्ड ग्राइंडिंग व्हील। क्या है? टेपर्ड ग्राइंडिंग व्हील। टेपर, टेपर मतलब किसी एंगल पर झुका देना, उसे टेपर कहते हैं। तो एक्चुअली में जो टेपर ग्राइंडिंग व्हील है वो स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील ही होता है, सिर्फ उसमें क्या करते हैं कि उसकी एज इसको सेंटर की तरफ थोड़ा सा टेपर कर देते हैं, झुका देते हैं। ठीक है, यानी शंकु के आकार की बना दी जाती है, उसकी एज जो है सेंटर की तरफ शंकु के आकार की बना दी जाती है, उसको टेपर कर दिया जाता है। सिर्फ स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील में ये चेंज कर दिया जाता है, तो वो आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, टेपर्ड ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग किस तरह की ग्राइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो प्रयोग किसमें किया जाता है, गियर टीथ, गियर टीथ और थ्रेड ग्राइंडिंग में, गियर टीथ और थ्रेड ग्राइंडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। गियर टीथ क्या होता है, गियर, आप गाइस गियर जानते हो, आप बाइक वगैरह में आपने गियर लगे देखे, पावर ट्रांसमिशन के लिए गियर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, अब गियर से ऐसे सर्कल में ये पूरा होगा। अब इस गियर के आउटर सरफेस को मुझे फिनिश करना है, बहुत ही हल्का मटेरियल मूव करना है, तो देखिए ये गियर क्या है, इसका टीथ जो है, ये दांत जो है इसका टेपर है, तो मुझे इसी शेप का ग्राइंडिंग व्हील लेना पड़ेगा, तब इसको हम यूज करते हैं। या थ्रेड ग्राइंडिंग, थ्रेड क्या होता है गाइस, बोल्ट पर जैसे आपने चूड़ियां कटी देखी है, बोल्ट पर चूड़ियां कटी देखी है ऐसे, ठीक है, ये चूड़ियों को थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो इन इन चूड़ियों के बीच में जो सरफेस है, इनको मुझे जो है ग्राइंड करना है, इनको फिनिश करना है। ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, टेपर्ड ग्राइंडिंग व्हील को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं जो नेक्स्ट है, फोर्थ। फोर्थ है आपका स्ट्रेट कप ग्राइंडिंग व्हील। क्या है? स्ट्रेट कप ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, देखिए एक्चुअली स्ट्रेट कप ग्राइंडिंग व्हील जो आपका है, वो स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील आपने पढ़ा वही है, उस स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील को कप की शेप में कर दिया जाता है। ठीक है, किसमें, कप की शेप में, तो ये हम कह सकते हैं ये कप शेप में स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील होता है। क्या होता है, कप शेप में स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील होता है। ठीक है, और उसका प्रयोग कहां किया जाता है, टूल ग्राइंडिंग के लिए। किसके लिए, टूल ग्राइंडिंग के लिए, यानी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कटिंग टूल होते हैं, जैसे ड्रिल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो लेथ पर यूज होता है, तो इन टूल पर ग्राइंडिंग करनी है, इनके एजेस को शार्प करना है। ठीक है, तो उस समय इस स्ट्रेट कप ग्राइंडिंग व्हील का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं डिस्क कप। क्या बोलते हैं, डिस्क कप। ठीक है, देखिए अब डिस्क कप ये भी सिमिलर है स्ट्रेट कप के। ठीक है, स्ट्रेट कप जो व्हील है उसको बहुत ज्यादा थिन कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क कप कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि थिन कप स्टाइल का जो स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील है, थिन कप स्टाइल का जो स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील है उसको हम बोलते हैं डिस्क कप व्हील। क्या बोलते हैं, डिस्क कप व्हील। इसका यूज क्या होता है, इसका जो यूज होता है गाइस, वो जिग्स एंड फिक्चर का अभी एक लेक्चर लेके आऊंगा, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जिग्स और कटर्ड ग्राइंडिंग में इसका प्रयोग कहां होता है, जिग्स एंड कटर ग्राइंडिंग में, जिग्स और कटर ग्राइंडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है डिस्क कप का। ठीक है, चलिए अब आपके आखिरी जो ग्राइंडिंग व्हील है वो कौन सा होगा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो सिक्स्थ पोजीशन है वो है आपकी डायमंड ग्राइंडिंग व्हील। क्या है, डायमंड ग्राइंडिंग व्हील। देखिए अगर हम डायमंड ग्राइंडिंग व्हील की बात करें, तो पहले मैंने इससे पहले आपको बताया था, जब एब्रेसिव पार्टिकल बता रहा था पिछले लेक्चर में, कि डायमंड जो है हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, और इसको एज एब्रेसिव यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल्स पर हमें ग्राइंडिंग करनी हो, जिनको काटना आसान ना हो। ठीक है, तो अगर हम डायमंड ग्राइंडिंग व्हील की बात करें, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होगा उस पर जो एब्रेसिव पार्टिकल होगा वो डायमंड यूज किया जाएगा, यानी डायमंड की बॉन्डिंग की जाएगी।
ठीक है। और इसका प्रयोग क्या होगा, हार्ड मटेरियल्स को, जैसा मैंने अभी बताया डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ज्यादा हार्ड मटेरियल्स होंगे जिन पर हम कटिंग करना पॉसिबल नहीं है, उन पर अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है तो डायमंड का व्हील यूज किया जाएगा। जैसे कंक्रीट है, कार्बाइड्स है, इन सबकी ग्राइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। तो गाइस चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम ग्राइंडिंग ऑपरेशंस की, यानी जो ग्राइंडिंग है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है, बहुत ही माइनर कटिंग की जाती है सरफेस को फिनिश करने के लिए या डायमेंशनल एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ग्राइंडिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की जाती है, ग्राइंडिंग को हम कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो जब हम इसको अलग अलग तरीके से करते हैं तो हम इसको इस ऑपरेशन का एक नाम दे देते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं लैपिंग। क्या बोलते हैं, लैपिंग, ठीक है। अब जैसे कि ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होगा, क्योंकि ग्राइंडिंग ही सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है, तो इसके जितने भी पार्ट होंगे सब सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन ही करेंगे। तो लैपिंग एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें करते क्या है, लैप, लैप यानी ऐसे उठाना। तो हम क्या करते हैं, जो टूल होता है वो लैप की फॉर्म में होता है, और हम क्या करते हैं, वर्क पीस को लैप के ऊपर खुद मूव कराया जाता है। नॉर्मली क्या है, ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करता है, वर्क पीस फिक्स रहता है, लेकिन लैपिंग में क्या है, हम वर्क पीस को मूव कराते हैं लैप के ऊपर बहुत सावधानी से, और मीडियम प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये आपको नोट करना है, जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वर्क पीस के ऊपर, लैप के ऊपर रख के, वो मीडियम प्रेशर होगा, मीडियम या मॉडरेट, इसको मॉडरेट प्रेशर भी बोल सकते हैं। मीडियम प्रेशर अप्लाई करेंगे और सरफेस फिनिशिंग होती चली जाएगी बहुत ही माइनर कटिंग के थ्रू, ठीक है। दूसरी बात, इसमें बहुत फाइन ग्रिड साइज यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एब्रेसिव पार्टिकल्स का जो साइज होता है उसी से हम आइडिया वो डिसाइड करते हैं कि कितना मटेरियल कट करना है। जितना छोटा साइज होगा, जितना फाइन साइज होगा एब्रेसिव पार्टिकल्स का, उतना ही स्मूथ, ज्यादा चिकना सरफेस क्रिएट होगा, और जितना बड़ा साइज होगा एब्रेसिव पार्टिकल्स का, उतना ही रफ खुरदरा सरफेस आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, बहुत फाइन कटिंग करनी है, सरफेस फिनिशिंग करनी है, तो जो हम एब्रेसिव पार्टिकल्स का जो साइज है बहुत छोटा रखते हैं। तो इसमें क्या है, जो इसको एब्रेसिव पार्टिकल के साइज को क्या बोलते हैं हम, ग्रिड साइज। क्या बोलते हैं, ग्रिड साइज। तो इसमें जो ग्रिड साइज होता है वो 120 से 1200 मेश के बीच में रहता है, 120 से 1200 मेश के बीच में रहता है। जितनी फाइन कटिंग करनी होगी उसी रेंज में हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ये कैसे नापते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें कटिंग कितनी होती है, तो लैपिंग में कटिंग है 2 से 3 माइक्रोन। आप अंदाजा लगाइए, 2 से 3 माइक्रोन, माइक्रोन कितनी छोटी इकाई है, और इतनी कम कटिंग होती है, तो कटिंग जितनी कम होगी सरफेस उतना ही ज्यादा स्मूथ और चिकना होता चला जाएगा, क्लियर है। तो 2 से 3 माइक्रोन कटिंग होती है, तो बहुत ही चिकना सरफेस, स्मूथ सरफेस इसमें क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरी चीज यह है कि यह फाइनल, ये जो है फाइनल सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। फाइनली जब सरफेस फिनिश, फाइनल टच दिया जाता है जब मटेरियल को, तभी ऑपरेशन किया जाता है, और इसमें हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त होती है। यानी अगर डायमेंशन में कोई थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसे आप मैनेज कर सकते हो, एक्यूरेट डायमेंशनल एक्यूरेसी आप इसमें मिल सकती है आपको इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की। जो दूसरा ऑपरेशन है उसको गाइस हम बोलते हैं हॉर्निंग। क्या बोलते हैं, हॉर्निंग, ठीक है, हॉर्निंग। अब देखिए, अब मान लो मेरे ये कोई मटेरियल है, मैंने इसमें एक होल क्रिएट किया मटेरियल में, यहां तक पूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, मैंने यहां तक एक होल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस होल के अंदर जो ये सरफेस है, इस सरफेस को मुझे चिकना या स्मूथ करना है, आया समझ में, इस सरफेस को मुझे चिकना या स्मूथ करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं टूल बनाऊंगा ऐसी होल के शेप में जो अंदर जाके रोटेट करेगा और फिर उसमें बहुत माइनर कटिंग करेगा। तो होल के अंदर, इंटरनल होल्स के अंदर जो, या आउटर सिलेंड्रिकल सरफेस होते हैं उनको भी हम कर सकते हैं, इंटरनल होल्स, इंटरनल होल्स एंड आउटर सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इंटरनल होल्स या आउटर सिलेंड्रिकल सरफेस हैं, उनको फिनिश करने का, यानी उनको सरफेस फिनिश देने का जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं हॉर्निंग, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्निंग। और इसमें जो टूल जो अंदर इसके जाकर रोटेट करेगा और कटिंग करेगा, तो उसको बोलते हैं हॉर्निंग टूल। तो इसमें इसी साइज का, इसी टाइप का टूल बना होगा, और इस टूल के चारों तरफ क्या होंगे, एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होंगे, जिसमें इसको हॉर्निंग टूल बोला जाता है, ठीक है।
अब इस हॉर्निंग टूल पे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स लगाए जाएंगे उनका साइज क्या होगा, ठीक है। तो हॉर्निंग टूल पे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स लगाए जाते हैं उनका जो साइज होता है ग्रिड साइज जो 80 से 600 मैस के बीच में होता है, कितना 80 से 600 मैस के बीच में इसका ग्रिड साइज रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑपरेशन की बात करते हैं। तो अगला ऑपरेशन हमारा जो जिसको हम बोलते हैं सुपर फिनिशिंग, क्या बोलते हैं सुपर फिनिशिंग, ठीक है, सुपर फिनिशिंग बोलते हैं। तो देखिए सुपर फिनिशिंग भी एक होनिंग प्रोसेस ही है, इससे पहले जो आपने होनिंग पढ़ा होनिंग का ही एक टाइप है आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये एक होनिंग प्रोसेस है लेकिन फाइन होनिंग प्रोसेस है, यानी होनिंग में जितनी कटिंग हो रही थी उससे भी कम कटिंग आपको करनी है इसमें, ठीक है, ज्यादा फाइन कटिंग करनी है, यानी होनिंग से सुपर फिनिशिंग में ज्यादा स्मूथ और चिकना सरफेस क्रिएट होगा, लेकिन प्रोसेस वही है होनिंग वाला भी, ठीक है। दूसरी बात यह है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव मटेरियल को बॉन्डिंग मटेरियल के साथ जोड़ के बनाया जाता है पिछले लेक्चर में, तो यहां पर पूछा जाता है कि बॉन्ड कौन सा होता है, तो इसमें सुपर फिनिशिंग के लिए जो व्हील बनाया जाएगा उसमें सॉफ्ट बॉन्ड का प्रयोग किया जाएगा, किसका सॉफ्ट बॉन्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब ग्रिड साइज की बात करें तो ग्रिड साइज जनरली जो इसमें होता है वो 600 मैस के बीच में होता है, 600 मैस तक ग्रिड साइज इसमें लिया जाता है। दूसरी बात होनिंग के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना हमें सरफेस के ऊपर जिससे वो कटिंग हो सके, ये प्रेशर भी पूछा जाता है, ये 300 किलो पास्कल का प्रेशर इस पर लगाया जाता है, कितना 300 किलो पास्कल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ ऑपरेशन की तरफ, फोर्थ ऑपरेशन है आपका जिसको हम बोलते हैं पॉलिशिंग, क्या बोलते हैं पॉलिशिंग, ठीक है। पॉलिशिंग क्या है, बहुत ही स्मूथ सरफेस ऑपरेशन है, स्मूथ फिनिश के लिए सबसे ज्यादा स्मूथ फिनिश आपको करनी है, एकदम के बहुत ज्यादा चिकना सरफेस हो जाए उसके लिए है। दूसरी चीज यह है कि पॉलिशिंग में कटिंग नहीं होती है, बाकी जितने प्रोसेस में बहुत माइनर कटिंग हो रही थी जिसके थ्रू ये सरफेस फिनिश कर रहे थे, लेकिन पॉलिशिंग में कोई कटिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर कटिंग नहीं होगी तो इसकी एक्यूरेसी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा, एक्यूरेसी शेप और साइज किसी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जब इसमें कटिंग नहीं हो रही तो ग्राइंडिंग व्हील कैसा होगा, इसमें इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग व्हील होता है, कैसा होता है फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग व्हील। अब फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग व्हील आप अगर यूज कर रहे हो तो ये कैसा होगा, जैसे इसमें व्हील पर क्लॉथ कपड़ा लगा होगा जिससे वो कपड़ा उसके साथ रगड़ेगा और चमक बढ़ाता चला जाएगा, इससे ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, कपड़ा है तो ग्राइंडिंग व्हील में क्या है क्लॉथ, क्लॉथ रबर प्लास्टिक ये सब मटेरियल इसमें लगे होते हैं, लेदर प्लास्टिक नहीं सॉरी लेदर एटसेट्रा, इन सब मटेरियल का बनाया जाता है जिससे इसमें चमक हो जाती है, और ये मटेरियल जो है कोई भी कटिंग नहीं करेगा, कटिंग करने वाले नहीं है, एब्रेसिव नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले लास्ट ऑपरेशन की तरफ, जो लास्ट ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं बफिंग, क्या बोलते हैं बफिंग। अब गाइस बफिंग ऑपरेशन क्या होता है, अब बफिंग भी जो इससे पहले हमने पॉलिशिंग अभी देखा तो पॉलिशिंग के समान ही ऑपरेशन है, लेकिन पॉलिशिंग में कटिंग नहीं होती थी, इसमें कटिंग होती है, यानी इसमें भी हम सरफेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाते हैं लेकिन इसमें कटिंग के थ्रू, इसमें बहुत फाइन कटिंग करते हैं, बहुत ही फाइनर ग्रिड साइज यूज किया जाता है, फाइनर ग्रिड साइज इतना फाइन यूज किया जाता है कि कटिंग बहुत माइनर हो, ठीक है। जब कटिंग बहुत माइनर होती है तो उसमें क्या है स्मूथ यानी चिकना होने के साथ साथ सरफेस जो है चमकदार यानी लस्टर हो जाता है, कैसा चमकदार, या इसको हम बोल सकते हैं लस्टर सरफेस क्रिएट होता है, चमकदार सरफेस क्रिएट होता है बफिंग, ठीक है गाइज। तो ये तो सारे ऑपरेशन थे, अब हम देखते हैं कि इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं गाइस। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, आप मैं ऑब्जेक्टिव बोलता हूं आप स्क्रीन पे देखते जाइए जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखेगा जिससे कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म टू, ग्राइंडिंग ऑपरेशन को किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, पहला ऑप्शन है फिनिशिंग, दूसरा फॉर्मिंग, तीसरा शेपिंग और चौथा ड्रेसिंग, यानी फिनिश करने के लिए, फॉर्म करने के लिए यानी कोई शेप देने के लिए, शेपिंग के लिए या ड्रेसिंग के लिए। तो गाइस जब सबसे पहले मैंने ग्राइंडिंग का इंट्रोडक्शन भी बताया था, ग्राइंडिंग एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है,
तो किसके लिए यूज किया जाता है? फिनिशिंग के लिए। तो आपका पहला ऑप्शन फिनिशिंग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्राइंडिंग व्हील इज अ, ग्राइंडिंग व्हील क्या है? ठीक है, पहला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तीसरा बोथ ऑफ अबव, या चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, दोनों ही हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, और जब मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहला लेथ का लेक्चर पढ़ाया था उस समय भी आपको डिस्कस किया था कि सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल गाइस वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही पॉइंट कटिंग में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, एक ही पॉइंट कटिंग में इन्वॉल्व रहता है। मल्टी पॉइंट में मोर देन वन कटिंग एजेस, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट कटिंग में इन्वेज होते हैं। अगर हम ग्राइंडिंग व्हील की बात करें तो ग्राइंडिंग व्हील पर नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट एक स्टेटमेंट बताया था कि हर एब्रेसिव पार्टिकल एज अ कटिंग एज काम करता है। तो थाउजेंड्स ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल इस पर लगे हुए हैं और सब काट रहे हैं, तो नंबर ऑफ कटिंग एजेस यानी नंबर ऑफ पॉइंट जो कट कर रहे हैं बहुत ज्यादा हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा। तो ग्राइंडिंग व्हील जो है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट्स ए टू जेड। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड, ग्रेड मैंने बताया था आपको, ग्रेड जो होता है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है स्ट्रेंथ कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? ए टू जेड, ए से जेड तक। ठीक है, ए टू जेड रिप्रेजेंट की जाती है। यहां पर A इज वेरी हार्ड, यानी ये क्या इसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो A बहुत हार्ड है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वो कह रहा है कि Z बहुत सॉफ्ट है, Z बहुत सॉफ्ट है। या तीसरा ऑप्शन वो कह रहा है कि Z इज वेरी हार्ड, या ये बहुत हार्ड है। चौथा नन ऑफ दीज। तो गाइस मैंने बताया था आपको कि जो हार्डनेस A टू Z बढ़ती है वो इनिशियल बढ़ती है, ये सबसे कम होगा। अब B C D E F G H I जैसे बढ़ते जाओगे हार्डनेस बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम हार्ड ये होगा, सबसे ज्यादा हार्ड ये होगा। तो सबसे कम हार्ड ये है, इसका मतलब ये सॉफ्ट हो गया, और ये सबसे ज्यादा हार्ड हो गया। तो Z इज वेरी हार्ड। तो आपका सी आंसर, Z इज वेरी हार्ड, सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच प्रोसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव। मटेरियल रिमूव जो है, यानी हम जब कटिंग कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इनमें से किस प्रोसेस द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, सुपर फिनिशिंग, हॉनिंग, ग्राइंडिंग या लैपिंग। तो देखिए ये तीनों ऊपर जो आपने देखा, सुपर फिनिशिंग, हॉनिंग या लैपिंग और ग्राइंडिंग, तो ये तीनों ग्राइंडिंग के ही पार्ट हैं, लेकिन बाकी तीनों जो है वो हाई सरफेस फिनिश मटेरियल ऑपरेशन है, जिनमें बहुत ही हाई एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा चिकना सरफेस क्रिएट किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि सरफेस फिनिश जितना ज्यादा होना क्रिएट होगा वो कब होगा? जब एब्रेसिव पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा। और अगर एब्रेसिव पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है गाइज, तो वो बहुत ही कम कटिंग करेंगे, यानी कटिंग जितनी कम होती है सरफेस उतना ही चिकना क्रिएट होता है, स्मूथ क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये तीनों तो हाई सरफेस फिनिश है, तो इनमें तो मटेरियल बहुत कम होगा। तो इनके सापेक्ष में, इनके अंतराल में अगर देखा जाए तो ग्राइंडिंग में इनसे ज्यादा होगा। तो आपका सी आंसर ग्राइंडिंग सही हो जाएगा, ग्राइंडिंग में ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर हार्ड मटेरियल ग्राइंडिंग टाइप ऑफ एब्रेसिव यूज। ठीक है, हार्ड मटेरियल के लिए ग्राइंडिंग व्हील में किस टाइप का जो है पार्टिकल यूज किए जाएंगे एब्रेसिव के? पहला ऑप्शन है फाइन ग्रेन, दूसरा कोर्स ग्रेन, तीसरा मीडियम ग्रेन, और चौथा बोथ ए एंड सी। फाइन ग्रेन मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, और कोर्स ग्रेन मतलब बड़े बड़े पार्टिकल, और तीसरा मीडियम ग्रेन यानी मध्यम साइज के पार्टिकल, या पहला और तीसरा दोनों। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको बताया था जब हम हार्ड मटेरियल पर कटिंग करते हैं तो हार्ड मटेरियल पर जो एब्रेसिव पार्टिकल है उनका साइज छोटा रखते हैं, और जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उन पर जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल है उनका साइज बड़ा रखा जाता है, हार्ड पर छोटा, सॉफ्ट पर बड़ा। तो ये हार्ड मटेरियल पर कर रहा है तो छोटा यानी फाइन, पहला ऑप्शन फाइन ग्रेन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फ्लैट सरफेस ग्राइंडिंग यूजेस। फ्लैट सरफेस ग्राइंडिंग के लिए कौन सी टाइप यूज होगा इनमें से? तो टाइप आपको दिए हैं सरफेस ग्राइंडिंग, फॉर्म ग्राइंडिंग, थ्रेड ग्राइंडिंग या सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो अगर आपको सरफेस पर ग्राइंड करनी है तो सरफेस ग्राइंडर ही यूज करोगे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो पहला आंसर आपका सरफेस ग्राइंडिंग सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not used as abrasive material in grinding wheel। इसने आपको चार ग्राइंड एब्रेसिव मटेरियल के नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल जो है एज ए एब्रेसिव मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील में नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील में कौन कौन से एब्रेसिव मटेरियल यूज होते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको सब बताए थे, उनका कंपोजिशन बताया था, उनका काम बताया था। ठीक है, तो वहीं से आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिए हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और CBN, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। सेकंड हार्डेस्ट नोन मटेरियल है ये, डायमंड के बाद। ठीक है,
तो गाइस जो मैंने आपको मटेरियल लिखा है उनसे आप कंपैरिजन करके बहुत सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी यूज किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को भी यूज किया जाता है और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड को यूज किया जाता है। इनमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लिखा है इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ है एज ए एब्रेसिव पार्टिकल, तो इसको एज ए एब्रेसिव पार्टिकल नहीं यूज किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एब्रेसिव मटेरियल यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील सिलेक्टेड फॉर ग्राइंडिंग फेरस एलॉय। ठीक है, अगर हमें फेरस और नॉन फेरस, गाइस मैं आपको बता चुका हूं हीट ट्रीटमेंट पढ़ाया था मैंने उस समय आपको, कि जिनमें आयरन किसी वेस्ट में प्रेजेंट होता है, किसी न किसी फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है उसको हम फेरस बोलते हैं, और जिनमें आयरन किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता उनको हम नॉन फेरस बोलते हैं। तो ये कह रहा है फेरस मटेरियल है उनकी ग्राइंडिंग करनी है, तो ग्राइंडिंग व्हील में किस एब्रेसिव मटेरियल सूटेबल रहेगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, डायमंड, सीबीएन, सिलिकॉन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो गाइस ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था फेरस के लिए जो सबसे ज्यादा सूटेबल होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। और गाइस आज का वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।